वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अगर अपनी बाइक को वॉश करो तो किस चीज़ से वॉश करो, घर पे ही कि आपकी बाइक जो चीज़ क्लीन करे। अभी आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा शाइन कर रही है, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वॉश करके अच्छे से पोछा है। आप लोग देख सकते हो एक भी मतलब पार्ट में गंदगी आपको नहीं दिखेगी। तो अब आप लोग को मैं बताऊँगा आप लोग घर में कैसे अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हो कि ताकि आपकी बाइक घर पर चमके। तो आज मैं आप लोगों को पूरा वीडियो में ऐसा यही बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ जो मैंने एंड तक चैनल बनाया हो तो पीछे सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर कर देना। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि यार हमें हेयर शैम्पू से यूज़ वॉश करना चाहिए कि सर्फ से वॉश करना चाहिए कि साबुन जो होता है उससे वॉश। तो यार सबसे पहले मैं बता दूं इन सब चीज़ों में होता क्या है। इन सब चीज़ों में ये होता है कि जैसे कि आप लोग के शैम्पू में ये होता है कि जैसे बैक्टीरिया आपके हेयर्स में जो होते हैं उसको मारने के लिए इसमें बहुत सी चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे कि बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे कि आपकी बाइक का जो पेंट है कहीं ना कहीं वो छूटने लगता है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मतलब वो आप लोगों को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए यार, क्योंकि वो यूज़ करने से तो मतलब वो इतना हार्श होते हैं कि आपकी बाइक के जो पेंट होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ये लोग जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे। आप लोग थोड़े दिन में देखोगे। तो अगर आप लोगों को पेंट से डिस्ट्रॉय नहीं होना है, और सबसे बुरी चीज़ देखो यहाँ पे जो वॉश हुई है, पहले मेरे बहुत वॉश करता था शैम्पू से, तो देख सकते हो यहाँ का पेंट कैसा हो गया, धुलने के बाद भी ये ऐसे ही रहता है, आप लोग देख सकते हो। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसा ना हो तो मैं आप लोग बता दूं, आप लोगों को फेस वॉश या हैंड वॉश, बहुत मतलब लाइट वाला हैंड वॉश जो बहुत कम झाग वाला होता है, या फिर फेस वॉश तो आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं बता रहा हूँ इसका रीज़न क्यों, क्योंकि फेस वॉश जो होता है वो हम लोग की जो मुँह की स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, वो उस हिसाब से बनाया जाता है ताकि हमारी जो सेंसिटिव स्किन है उसमें कोई डैमेज ना हो। इसलिए आप लोग की बाइक के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होगा अगर आप लोग उससे वॉश करते हो। थोड़ा सा लेके आप लोग जैसे इसके ऊपर डाल दो, उसमें वाटर लगा के अच्छे से वॉश कर दो, तो आप लोग की बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप लोग फेस वॉश से धुलते हो तो सुनने में अजीब लग रहा होगा फेस वॉश से बाइक धुलेंगे, लेकिन नहीं यार सही बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग वॉश करके देखना, आप लोगों को अच्छी जो है चीज़ें दिखेंगी, मतलब आप लोग जब धुल लोगे तो आप लोग देख सकते होगे कि कितनी चमक रही होगी आपकी बाइक, जैसे अभी ये वाली चमक रही क्योंकि अभी वॉश की है। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को हमेशा बाइक फेस वॉश से वॉश करनी चाहिए, ना कि सर्फ। सर्फ तो गलती से मत यूज़ कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं बाइक के लिए। तो ना कि सर्फ यूज़ करना है, ना कि आप लोगों को कोई और चीज़, बस आप लोग फेस वॉश यूज़ करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।